बीजेपी में क्या नजर आया और कांग्रेस में क्या आपको नजर आया? ऐसा है जी, बीजेपी तो एक ऐसी अच्छी पार्टी है कि हम 4 बार उनके मिलने गए माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को, और मनोहर लाल जी खट्टर ने वहां से हमारे यमुनानगर जिले के जितने भी मंत्री जी हैं, संतरी जी हैं, जो भी और हैं, उन्होंने डीएसपी एसपी को कह के भाई इन प्रधान जी को बाहर निकालो, भाई इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये पैसे वाले नहीं हैं। तो डीएसपी आके हमें गले से लगाया उसने और कहने लगा बाऊजी या तो बाहर चले जाओ, ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं, नहीं आपको अंदर कर देंगे। तो बाऊजी हम अंदर तो नहीं गए लेकिन हम बाहर आ गए। तो इसको देखते हो हमने 8-9 महीने पहले बीजेपी से अलविदा कह दिया था और बीजेपी को छोड़ के आज हम अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। ऐसा है जी, कांग्रेस की सरकार आने पर जो मुद्दे मैं बता रहा हूँ, ये माननीय भूपिंदर सिंह हुडा जी ने कह भी दिया परसों कि 2 लाख कर्मचारी इस टाइम हरियाणा में है ना, खाली पड़ी है सीटें। 2 लाख कर्मचारियों को माननीय भूपिंदर सिंह हुडा पहले दिन ही नौकरियां देंगे। उसके बाद भूपिंदर सिंह हुडा जी ने कहा कि व्यापारियों की जो जो अच्छी डिमांडें हैं ये सारी वो बिल्कुल पूरी की जाएंगी। लेकिन ये मेरे को जरूर पता है कि भारत का व्यापारी, हरियाणा का व्यापारी शोषित नहीं था। कांग्रेस की सरकार में हम लोग है ना कमा भी रहे थे, खा भी रहे थे और जमा भी कर रहे थे। आज ना तो हम कमा रहे हैं और ना खा रहे हैं, ना जमा हो रहे हैं। तीनों सौदे हमारे खत्म कर दिए सरकार ने, और आने वाली कांग्रेस की सरकार हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर होती है। ऐसा है जी, अब तो 100% कांग्रेस सरकार हमारी बात को मानेगी, आखिरी सांस तक अब कांग्रेस सरकार में ऐसा क्यों? कि मैं ये कांग्रेस के नेता एक ऐसे नेता हैं, मैं हुडा साहब से मिला आया हूँ, मैं माननीय दीपक बावरिया जी से भी मिल चुका हूँ, साउथ एवेन्यू में 158 नंबर कमरे में एमपी साहब बैठते हैं वहां भी मिल लिया हूँ, और अपने वरुण चौधरी से तो कल मैं ऐसे मिला जैसे छोटे भाई से मिल रहा हूँ, और इस सरकार में किसी से मिलना आसान है। भाजपा में मिलने के लिए पहले तो कहते थे वहां जाओ जी मल्ला चौधरी से साइन कराओ, फिर उसके बाद ब्लॉक से कराओ, फिर पन्ना प्रमुख से कराओ, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष से कराओ, इतने में तो आदमी बूढ़ा ही हो जाएगा जब तक हम माननीय मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे। और ऐसा है जी, कांग्रेस अगर टिकट देगी तो 100% चुनाव लड़ा जाएगा और 100% आगे भी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। और ये तो अंडरस्टूड है कि टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ोगे। ऐसा क्या है कि जो पार्टी आपको टिकट दे? ऐसे है जी, ये तो पार्टी ने सोचना है, ये मेरा काम नहीं है। हम तो अपनी लड्डू सामने आया तो आपने फटाक से लपट लिया, अगर मैंने पूछा तो पार्टी पे आप नहीं, ये तो उच्चाधिकारियों का काम है, मेरा काम नहीं। अब मेरे